हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 110 इज। तो जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स I कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, विच इज इक्वल टू 6y माइनस 0 प्लस 0, विच इज इक्वल टू 6y, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 6। सिमिलरली हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वाई, विच इज इक्वल टू 6x माइनस 1 प्लस 2z। यहां से हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, तो बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं और y यहां पर वेरिएबल रहेगा। सो अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी x की और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, प्लस z की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0, विच इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे डेल v ओवर डेल z, यानी z होगा हमारा वेरिएबल, बाकी सब कॉन्स्टेंट, तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 6xy की डिफ्रेंशिएशन 0, y का डिफ्रेंशिएशन 0, बचेगा 2y, so it is going to be equal to 2y, और y की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 2। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E is equal to minus 6i plus 5j plus 2k। तो 6i plus 5j plus 2k with negative, which is answer number 3। I hope you understood the solution. Thank you.